मंडल में जेई एईएस के रोकथाम के लिए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने की मंडलीय समीक्षा बैठक, कहा नहीं बर्दाश्त की जाएगी लापरवाही। खोराबार में पुलिस और शातिर इनामी बदमाशों से हुई मुठभेड़, दोनों बदमाश सहित पुलिस भी घायल। दिव्यांग सहायता उपकरण शिविर की तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा। सरस्वती विद्या मंदिर महिला कॉलेज में आयोजित हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण पर किया मंथन। कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विभाग की मंडल स्तरीय बैठक हुई संपन्न, दलित सुरक्षा सम्मेलन की बनाई गई रणनीति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित हुआ एकल व समूह नृत्य प्रतियोगिता, प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अमृत कला वेदिका में लगाई गई चार दिवसीय अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी। माँ अंकलेश की मनाई गई पुण्यतिथि। 15 फरवरी से आरंभ होगा 6 दिवसीय संभागीय नाटक समारोह। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने बच्चों को भेंट किया निःशुल्क स्वेटर। जनपद के क्षेत्र पंचायतों सदस्यों, ग्राम पंचायत के प्रधानों एवं सदस्यों के रिक्त स्थानों व पदों पर उप निर्वाचन की कार्यक्रम घोषित। और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित करेंगे स्वतंत्र भारत में हिंदी की विकास यात्रा पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन।